पुतिन और ज़ेलेंस्की की टक्कर में 24 फरवरी की तारीख बेहद अहम मानी जा रही है। और इस वक्त दोनों लीडरशिप डरी हुई है। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बंकर की अचानक सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, तो मॉस्को में पुतिन से मिलना मुश्किल हो गया है। पुतिन ने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जिससे 24 फरवरी का दिन और खतरनाक साबित हो सकता है। धमाकों और मिसाइल के हमलों के बीच यूक्रेन और रूस से एक साथ ऐसी खबर आई है कि युद्ध को लेकर खतरा अब परमाणु लेवल पर पहुंच गया है। क्योंकि पुतिन भी गायब है और ज़ेलेंस्की भी गायब है। दोनों लीडर्स के अपने दफ्तर से गायब होने की चर्चा पूरी दुनिया में है। पुतिन अपने नए खुफिया ठिकाने पर पहुंच गए हैं तो ज़ेलेंस्की 6x6 के बंकर में छुप गए हैं। दोनों जगह कहां हैं? ये बात सिर्फ उनके टॉप लेवल के सुरक्षा अधिकारी ही जानते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ज़ेलेंस्की ने हमेशा बेबाक होकर बाहर घूमते सेल्फी वाले वीडियो बनाए हैं, लेकिन अब वो 6x6 के बंकर में छुप गए हैं। इस बात को आप ज़ेलेंस्की के नए वीडियो से समझेंगे। ज़ेलेंस्की का ये नया वीडियो आया है जिसपे वो एक बहुत छोटी सी जगह में दिखाई दे रहे हैं। पहले ज़ेलेंस्की अपने दफ्तर से वीडियो बनाकर वायरल करते थे, आज वो ऐसी जगह से वीडियो बना रहे हैं जहां स्पेस बहुत कम है। ना आलीशान दफ्तर है, टेबल तक नहीं है। ज़ेलेंस्की की परछाई दीवार पर नजर आ रही है, वो काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। एक बार फिर ज़ेलेंस्की ने नई तोप देने की मांग की है। Наші захисники, захисниці дуже очікують шведські арчери, одну з найсильніших артилерійських систем. І арчери точно допоможуть нашим воїнам. ज़ेलेंस्की के अलावा पुतिन दोनों ही अब बहुत ही जरूरी काम के लिए बाहर निकल रहे हैं। जब इजराइल और ब्रिटेन के लीडर यूक्रेन आए, तब बहुत खामोशी से ज़ेलेंस्की बाहर निकले और जल्दी में हुई मुलाकात के बाद वापस अपने सीक्रेट अड्डे में पहुंच गए। बड़े लीडर्स का युद्ध के दौरान छुपना अच्छे संकेत नहीं देता। इससे साफ होता है कि युद्ध में बड़ी साजिश तेज हो गई है, या फिर हमला इतना बड़ा होने वाला है जिसमें सीधा दुश्मन की लीडरशिप को खत्म किया जा सकता है। क्योंकि रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के एक पूर्व अधिकारी यूरी श्वेट्स ने कहा है कि पुतिन ने खुद को आइसोलेट कर लिया है, क्योंकि पुतिन को अपनी हत्या का डर सता रहा है और खुद को अलग रखने और किसी को करीब ना आने देने का ये ऑर्डर खुद पुतिन ने ही दिया है। इसके पीछे कोविड या किसी बीमारी की बात नहीं, बल्कि पुतिन की जान को खतरा बताया जा रहा है। पुतिन अगर नए और ज्यादा सुरक्षित ठिकाने पर गए हैं तो इसके पीछे उनकी जान को खतरा हो सकता है। रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने युद्ध के बाद से ही उनकी सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी है। पुतिन ने ठिकाना बदलने से पहले रूस के बाकी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से बात की है और उनको भी भरोसे में लेने की कोशिश की है। साफ है कि पुतिन रूस के अंदर अपने लिए खतरा खत्म करना चाहते हैं। FIR नंबर 208 शनिवार रात 10 बजे से लगातार सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।